इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव दबा के लड़ रही है। भाइयों बहनों, मारो पूरा विश्वास से। नमस्कार, मैं रितेश सिंह, आज मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जनसंचार विभाग में हूँ। हमारे साथ पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनोज सर मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हिमाचल और जो गुजरात के चुनाव का परिणाम आया है, आज आइए आज हम जानते हैं सर से कि उनकी इन परिणामों को लेकर उनका क्या कहना है। सर बताइए, सर जो चुनाव परिणाम आए हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री जी की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने लगभग 35,000 किलोमीटर यात्रा की और उन्होंने गुजरात के अस्मिता से अपने को जोड़ा, अपने विकास से इस चुनाव को जोड़ा और पूरी सफलता का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। सर, इस चुनाव के बाद नोटबंदी और जीएसटी का विरोध आपको लगता है कि जो समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा? नोटबंदी और जीएसटी का अगर विरोध होता जी, तो गुजरात में इतनी भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। तो निश्चित रूप से ये मुद्दे गौड़ हो गए। सर, आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि इन चुनाव का असर जो है जिन विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल सकारात्मक पड़ेगा और विपक्ष के लिए कड़े चुनौती का समय है और उनके इम्तहान का वक्त है। अगर उनकी आपसी एकजुटता और उन्होंने अपने संगठन को मजबूत नहीं किया तो निश्चित रूप से ये असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के भी बम बम रहेगी। सर, आपकी नज़र में इन चुनाव में जो जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया? जनता में मुख्यतः मोदी जी विकास का मुद्दा लेके गए, गुजरात की अस्मिता का मुद्दा लेके गए। उन्होंने कहा कि 4 साल लगभग मैं सरकार में हूँ और आज तक भ्रष्टाचार के एक भी मेरे ऊपर दाग नहीं है, मेरे पूरे कैबिनेट के ऊपर नहीं है। तो अपनी बातों को वो मतदाताओं तक ले गए और मतदाताओं ने उनकी बात को माना और समझा और उसी तरह उन्होंने वोट दिया। सर, राहुल गांधी जी की भूमिका को आप इस चुनाव में जो किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत किया और निश्चित रूप से पिछले बार जहां कांग्रेस 60-61 थी, इस बार वो 70 पार किए, तो निश्चित रूप से उन्होंने भी अपनी मतलब स्थिति को सुधारा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर, इन दोनों राज्यों में हार का जो है क्या कारण हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? हार का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दो कारण दिखाई पड़ते हैं जिसमें एक बहुत प्रमुख कारण यह है कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो भारतीय कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, शंकर सिंह बघेल, नहीं मणिशंकर अय्यर जी, उन्होंने किसी संदर्भ में नीच शब्द का प्रयोग किया और नीच शब्द जो है राजनीति से जुड़ गया और उसके कारण जो है मौका मिला प्रधानमंत्री मोदी जी को जी। उन्होंने गुजरात की जनता से कहा कि मुझे नीच कहा जा रहा है, तो जनता ने भी उसको भावनात्मक तौर पर लिया। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये बहुत जो है गलत बयानी थी जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। सर, 2019 के लोकसभा चुनावों में इन चुनावों का जो है क्या असर पड़ेगा? 2019 के चुनाव अभी देर में है और मुद्दे बहुत तेज़ी से बदलते हैं। आज स्थिति बहुत अच्छी है, इस अगर जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, अगर इसी तरह से इन्होंने काम किया तो निर्णय इनके पक्ष में सकारात्मक रहेंगे, लेकिन अभी चूँकि वक्त है और यह 19 में होना है, अभी 18 भी नहीं आया, तो बहुत पहले ये बोलना थोड़ा ठीक नहीं है।